अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है एक्सेलेंट ट्रिक टू ड्रा फिशर एंड हॉवर्थ प्रोजेक्शन। हम कैसे हॉवर्थ और जो फिशर प्रोजेक्शन हैं उनको हम ड्रा कर सकते हैं, ये हम कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मेरा नाम है राणा अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसिफाई योर सेल्फ। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और अपने फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें किसी भी जिसका हमने फिशर या हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनानी है तो हमें वो पता होना चाहिए कि इसका ओपन स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जांपल हम ग्लूकोज को ले लेते हैं, डी ग्लूकोज को, और उसकी बात करते हैं और उससे हम दोनों चीज़ों को, फिशर और हॉवर्थ दोनों प्रोजेक्शन को ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो हम पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो हमारे पास क्या होंगे, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है जी। और यहाँ पर हम कार्बन की नंबरिंग दे लेते हैं ताकि आसानी रहे हमें सारी चीज़ों को करने में, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो ग्लूकोज जो होता है उसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। एल्डिहाइडिक में क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और एक हाइड्रोजन होगा, ठीक है जी। तो एक साइड पर कार्बोनाइल के एक हाइड्रोजन होता है, दूसरी साइड पर अगर कार्बन मौजूद होगा तो उसको हम एल्डिहाइडिक ग्रुप कहते हैं, ठीक है जी। अगर कार्बोनाइल जो ग्रुप है, कार्बोनाइल जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान जो डबल बॉन्ड होता है उसको हम कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं। अगर दोनों साइड पर कार्बन ग्रुप आ जाते हैं तो उसको हम कीटोन कहते हैं, ठीक है जी। और वो फ्रक्टोज के अंदर आएगा, हम फिलहाल किसको डिस्कस कर रहे हैं, ग्लूकोज को, ठीक है जी। मैं नीचे नाम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। तो डी ग्लूकोज को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है, बाकी H और OH जो है वो हम क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो CH2OH ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या आएगा, OH, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर OH और यहाँ पर OH आएगा। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि इसको हमने डी ग्लूकोज क्यों कहा है। डी ग्लूकोज क्यों कहा है, क्योंकि लास्ट जो कायरल कार्बन है उसको हमने देखना है कि OH कहाँ पर अटैच है। अगर वो राइट साइड पर अटैच है तो उसको हम डी ग्लूकोज कह देंगे, और अगर वो लेफ्ट साइड पर अटैच है तो एल ग्लूकोज कह देते हैं। एल से लेफ्ट बनता है, ये तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है जी। तो अब जो हमने बनाने हैं वो हम पहले क्या बना लेते हैं, फिशर प्रोजेक्शन बना लेते हैं, ठीक है जी। तो फिशर प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, तो आपने देखना ये है कि ऑक्सीजन जो है, अब ये कार्बोनाइल जो ग्रुप है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कौन सा ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, तो इसीलिए इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर जो चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो कार्बन है उस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या मौजूद है, लॉन पेयर मौजूद है। अब ये जो लॉन पेयर है ये अटैक करेगा लास्ट वाला। हमने जब भी फिशर प्रोजेक्शन या हॉवर्थ प्रोजेक्शन बनानी है तो पहले हम फिशर प्रोजेक्शन बनाते हैं और फिर उसको साइकिल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, वो हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो आपने करना क्या है कि लास्ट जो कायरल कार्बन होगी उसको अटैक करवाना है फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पर। क्लियर हो जाएगी बात। क्या करना है, लास्ट जो कायरल कार्बन होगी उसका जो ऑक्सीजन है उसको हमने अटैक करवाना है जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, ठीक है जी। तो ये लास्ट कायरल कार्बन है, यहाँ पर जो कायरल कार्बन है ये सॉरी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है तो इसे हम कायरल कार्बन नहीं कह सकते। तो इसका जो लास्ट वाला कायरल कार्बन है उसका ऑक्सीजन जो है उसको अटैक करवाना है किस पर, कार्बन पर, ठीक है जी। तो ये जो है कार्बन पर अटैक करेगा और यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब ये जो है ये इस पर अटैक करेगा हाइड्रोजन पर, ठीक है जी। अब ये जो है हाइड्रोजन पर अटैक करेगा तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऐसे बन जाएगा कि अगर हम बनाने की कोशिश करें, पहले तो हम 6 कार्बन लिख लेते हैं,
एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो लास्ट वाला है ये तो वैसे का वैसे ही बच गया है, CH2OH, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये तो वैसे का वैसे ही है, तो ये हम वैसे का वैसे ही लिख लेते हैं, HH OH H और H, और ये तीन ग्रुप भी वैसे के वैसे हैं। तो कार्बन नंबर 2 पर जो है ओ एच, ये भी वैसे के वैसे है, ये भी एच वैसे के वैसे है, और ये भी ओ एच वैसे के वैसे है। चेंजिंग जो आई है ये जो कार्बोनाइल जो ऑक्सीजन है और ये ओ एच जो ग्रुप है यहाँ पर चेंजिंग आई है। अब हुआ क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसने अटैक किया है किस पर, कार्बन पर, ठीक है जी। तो ऑक्सीजन ने इस पर अटैक किया है तो ये जो है ऑक्सीजन वाला जो बांड बन गया है, ठीक है जी। तो ये जो ऑक्सीजन है इसने बांड बना लिया है किसके साथ, कार्बन के साथ, और ये पहले से इस कार्बन के साथ भी जुड़ी हुई है, ठीक है जी। अब ये जो एच है ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, ओ एच बना देगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप बन जाएगा, क्लियर हो जाएगी बात। तो ये सिंपल सी है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे, हम इसकी फिशर प्रोजेक्शन है, क्या है, फिशर प्रोजेक्शन। तो इस तरह आपने किसी भी जो स्ट्रक्चर है ओपन स्ट्रक्चर है उसको उसकी आपने क्या कर लेनी है, फिशर प्रोजेक्शन को ड्रा कर लेना है। मैं दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है, कि जो लास्ट कायरल कार्बन है उसकी हमने जो ऑक्सीजन है उसको अटैक करवाना है फंक्शनल ग्रुप वाला, वो यहाँ पर भी हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है। तो आपने ये नहीं देखना कि वो कहाँ पर मौजूद है, आपने जस्ट ये देखना है कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा उस पर हमने अटैक करवाना है लास्ट जो कायरल कार्बन है उसकी ऑक्सीजन को। तो जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर कार्बन पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इस कार्बन ऑक्सीजन और ये कार्बन, तो इस तरह ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है जी। और ये जो ऑक्सीजन है अब यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड जो है वो शिफ्ट हो जाता है, क्या होता है, अब जैसे ही ये ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, और नेगेटिव जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप बना देगा, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है एक और चीज़ आती है कि ये जो ओएच ग्रुप है ये राइट साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, क्लियर हो रही बात। अगर वो राइट साइड पर है तो उसको हम क्या कहेंगे, और जो लेफ्ट साइड पर होगा, मैं इसका कुछ दूसरा स्ट्रक्चर भी बना लेता हूँ जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है कार्बन कार्बन 6 कार्बन ड्रा कर लेते हैं हम, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है बाकी ग्रुप्स लगा देते हैं, CH2OH, ठीक है जी, एच, और ये जो है वैसे का वैसे ही रहेगा, बाकी एच ओ एच ओ एच 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 ओ एच, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है जो हाइड्रोजन है ये तो वैसे का वैसे ही है। अब यहाँ पर अगर हाइड्रोक्सल जो ग्रुप है वो अगर लेफ्ट साइड पर आ गया है तब क्या होगा, और जब हाइड्रोक्सल ग्रुप राइट साइड पर आ गया है तब क्या होगा, ठीक है जी। इसको हमने देखना है। अभी हम क्या करते हैं, ये जो फिशर प्रोजेक्शन है ये हमने ड्रा कर ली है दोनों, मतलब राइट साइड वाले हाइड्रोक्सल ग्रुप की भी और लेफ्ट साइड वाले की भी। अब हम क्या करते हैं इसकी हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना लेते हैं, और फिर मैं बताता हूँ कि ये जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है अगर राइट साइड पर हो या लेफ्ट साइड पर हो तो उसका क्या फ़र्क बनेगा, उसका क्या उसको हम कैसे क्लासिफाई करेंगे, ठीक है जी। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसको बना लेते हैं। तो 6 कार्बन वाली रिंग बनती है ग्लूकोज की, तो एक ऑक्सीजन होता है एक कॉर्नर पर और बाकी कार्बन होते हैं, ठीक है जी। तो पहला कार्बन ये होगा, इसको नंबरिंग किसी और पॉइंटर के साथ दे लेते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर जो है एक और जो कार्बन है वो लगा होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, 6 कार्बन कहेंगे, ठीक है जी। तो बाकी हम ड्रा कर लेते हैं कि कैसे कैसे जो स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये जो एच और ओ एच जो लगे हुए हैं वो ऊपर आएंगे या नीचे आएंगे ये हमने देखना है, ठीक है जी। तो आपने एक फार्मूला आपने हमेशा याद रखना है कि जो जो भी ग्रुप होगा अगर वो लेफ्ट साइड पर है, किस साइड पर है, अगर हम देख रहे हैं तो अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो उसको हम क्या कहेंगे, वो टॉप पर आएगा, ठीक है जी। और अगर वो राइट साइड पर है
और राइट साइड पर जो होगा वो बॉटम के अंदर आ जाएगा। ठीक है जी, सिंपल सा रूल है, मतलब आपने जो है इसके अंदर देख लो, या आप आम जो ओपन स्ट्रक्चर है उसके अंदर देख लो, या फिशर जो प्रोजेक्शन हमने दोनों ड्रा की है उसके अंदर देख सकते हो। ठीक है जी, तो आपने करना क्या है कि जो लेफ्ट साइड पर ग्रुप होंगे H हाइड्रोक्सिल ग्रुप H और H, ये जो है हमने क्या करने हैं, लेफ्ट साइड पर जो है उनको हमने टॉप पर लिखना है जब हम इनको ड्रा करेंगे। ठीक है जी, तो जब हम इनको ड्रा करेंगे तो क्या होगा कि ये जो ग्रुप्स है, मतलब जो लेफ्ट वाले हैं उनको हमने क्या करना है, टॉप पर लिखना है, और ये जो राइट वाले हैं उनको हमने क्या करना है, बॉटम पर लिखना है। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं, इनको बना लेते हैं। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट कार्बन है, और फर्स्ट कार्बन जो है वो हमारे पास ये वाली है। ठीक है जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो OH जो है वो क्या है, राइट साइड पर है, और राइट साइड वाली क्या होती है, बॉटम में होती है। ठीक है जी, तो OH जो है वो क्या आ जाएगा, बॉटम में, और H जो है वो टॉप पर आ जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर जो है जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको हम टॉप पर लिख लेते हैं, तो अगला जो है एच है। ठीक है जी, फिर क्या है, OH है। ठीक है जी, और फिर एच है, और लास्ट वाला जो है हालांकि लेफ्ट पे है लेकिन ये नीचे ही आएगा क्योंकि CH2OH जो ग्रुप है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह आपने क्या करना है, CH2OH। अब बाकी जो ग्रुप बच गए हैं वो राइट वाले बच गए हैं, तो क्या बनेगा, कार्बन नंबर 2 पर OH है, कार्बन नंबर 3 पर H है, और कार्बन नंबर 4 पर क्या है, OH है। तो इस तरह आपने क्या करना है, किसी भी जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रा कर लेना है। तो इस तरह आप क्या करते हैं कि ये एक का बना लिया है, अब दूसरे का जब बनाएंगे तो क्या होगा कि बिल्कुल उसी तरीके से आपने ऑक्सीजन और 6 कार्बन वाली जो है वो रिंग बना लेनी है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि आपने वही ऐसे ही आपने ये लाइनें लगा देनी है, और आपने करना क्या है आगे कि ये जो ग्रुप्स लगे हुए हैं जो राइट साइड वाले हैं उनको बॉटम में लिख देने हैं, और जो लेफ्ट साइड वाले हैं उनको हमने क्या करना है, टॉप पर लिख देना है। ठीक है जी, तो हम लिख देते हैं, तो ये जो राइट साइड पे है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये OH जो है वो कहाँ आ गया है, लेफ्ट साइड पर आ गया है, कार्बन नंबर 1 जो है ये वाला है। ठीक है जी, अब जो OH जो है वो लेफ्ट साइड पर आ गया है, मतलब टॉप पर आएगा। ठीक है जी, और बाकी क्या बचेगा, H तो वो बॉटम में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो राइट साइड पर है क्या है, OH है, तो ये बॉटम पर आ गया है, और ये H जो है वो टॉप पर आ गया है। अब यहाँ पर राइट साइड पर क्या है, H है बॉटम में, और जो OH है वो टॉप पर आ गया है। अब ये जो है बॉटम में है तो ये नीचे आ गया है, और ये ऊपर चला गया है। अब इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको आपने नीचे लिखना है और आगे CH2OH लिख देना है। ठीक है जी, तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास दोनों जो है ये फिशर प्रोजेक्शन है, और ये वाली जो है दोनों क्या है, हॉवर्थ प्रोजेक्शन है। अब यहाँ पर जो है मैंने आपको कहा था कि ये H और OH का किस्सा मैं बाद में बताऊंगा, तो अब मैं बता देता हूँ कि अगर जो है OH जो है वो बॉटम में आ जाता है, मतलब राइट साइड पर, पहले से फिशर प्रोजेक्शन के अंदर क्या है, राइट साइड पर है, या इसके अंदर क्या आ गया, बॉटम में आ गया है, तो इसको हम अल्फा स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्फा स्ट्रक्चर। ठीक है जी, और अगर जो है OH लेफ्ट साइड पर आ गया है, मतलब ऊपर है। ठीक है जी, अगर फिशर प्रोजेक्शन के अंदर OH जो है वो क्या है, लेफ्ट साइड पर है, और हॉवर्थ के अंदर ऊपर है, डेफिनेटली क्या होगा कि जब वो लेफ्ट साइड पर होगा तो वो टॉप पर आ जाएगा। ठीक है जी, तो फिशर प्रोजेक्शन के अंदर OH ग्रुप अगर लेफ्ट साइड पर है तो जो साइक्लिक पोजीशन होगी उसके अंदर क्या होगा, OH टॉप पर होगा, और उसके अंदर जो ग्लूकोज होगी वो कौन सी होगी, बीटा ग्लूकोज होगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डी ग्लूकोज कौन सी होगी, अल्फा डी ग्लूकोज होगी। ठीक है जी, तो अल्फा किस लिए आया है, क्योंकि जो OH है वो बॉटम में है या राइट साइड पर है। ठीक है जी, और अगर इसको हम क्या कहेंगे तो ये साइक्लिक के लिए क्या बनेगी, बीटा डी ग्लूकोज। और बीटा क्यों आया है, आपको मैंने पहले बता दिया है कि जो लेफ्ट साइड पर OH है या साइक्लिक के अंदर हम क्या कहेंगे, टॉप पर मौजूद है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये जो ग्लूकोज है या कोई भी और स्ट्रक्चर आ जाते हैं तो उसके अंदर आपने क्या करना है कि आप पहले तो फिशर और हावर्थ प्रोजेक्शन बना सकते हैं, देन उसके बाद उसके अल्फा और बीटा जो स्ट्रक्चर है उनको भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास एक्सेलेंट ट्रिक टू ड्रा फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला।
आगे जो हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे वो इसी स्टीरियो केमिस्ट्री से ताल्लुक़ रखेगा, और हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।